नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है म्यूज़िक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सभी तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ बेसिक लेवल की ऐप्स आपके साथ शेयर की थी। आज हम बात करेंगे थोड़ी एडवांस लेवल की ऐप्स के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ तीन ऐप्स शेयर कर रहा हूँ। ये तीनों की तीनों ऐप्स बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको ज़रूर एक बार इंस्टॉल करके और यूज़ करके देखें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारी फर्स्ट ऐप तानपुरा। तानपुरा दोस्तों बहुत अच्छी ऐप है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा, जिसमें फर्स्ट स्ट्रिंग में आप कौन सा स्केल रखना चाहते हैं, जैसे सा रे गामा रे कोमल, कोई भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे सा ही रखते हैं। पिच पे चलते हैं तो आप सी शार्प रखना चाहते हैं, सी पे करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ पे इसको सेट करते हैं। चलिए हम सी शार्प पे करते हैं इसको। पिच सेमी का मतलब होता है आप उसकी पिच को कितना रखना चाहते हैं, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसको माइनस भी कर सकता हूँ और इसको प्लस भी कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको ज़ीरो पे रखेंगे तो ये नेचुरल टोन में रहेगा अपनी। आप इसकी कितनी स्पीड रखना चाहते हैं, जो स्ट्रिंग इसके साथ बजती हैं तानपुरे के अंदर, जो स्ट्रिंग होती हैं, चार स्ट्रिंग होती हैं, इनकी स्पीड कितनी रखना चाहते हैं ये आप देख लीजिए। अगर आप नॉर्मल रखें तो ठीक रहेगा। वॉल्यूम आप कितना रखना चाहते हैं ये आप सेट कर लें। तो चलिए हम एक बार इसको बजा के देखते हैं। मैं थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ। तो दोस्तों, ये रियाज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी ऐप है तानपुरा। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको डाल दूंगा। अगली ऐप के ऊपर चलते हैं। तो अगली ऐप हमारे पास जो है वो है रिदम फ्री। तानपुरे के साथ अगर आप तबले के ऊपर गाना चाहते हैं, मतलब तबले के साथ गाना चाहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए बहुत अच्छी ऐप है। इसमें आप लेफ्ट साइड देखिए, आड़ा चौताल, दादरा, एक ताल, झप ताल, कहरवा, ऐसी सारी की सारी इसने ताल दे रखी है जिसको आप बजा सकते हैं। चलिए हम कहरवा की प्रैक्टिस करते हैं। तो कहरवा के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने रहेगा, जिसमें सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड स्केल है। यहाँ पे आपको स्केल सेट करना है। ऑलरेडी इसके ऊपर सी शार्प सेट है। अगर आप इसको चेंज करना है तो आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन हमने परचेज नहीं करना तो हम सी शार्प पे रखेंगे। और खर्च पे आप इसको सेट कर सकते हैं, ऑलरेडी खर्च ही सेट है। तो नीचे जो वॉल्यूम, टेम्पो और ट्यूनर है, वॉल्यूम पे आप कितनी वॉल्यूम रखना चाहते हैं, तानपुरे की ऑलरेडी कम है तो हम इसे कम ही रखेंगे, और तबले की फुल वॉल्यूम है तो हम फुल ही रहने देंगे इसको, ओके करते हैं। टेम्पो इसकी स्पीड आप कितनी करना चाहते हैं, तबले की 150 है और तानपुरे की 66, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम इनको ऐसे ही रखेंगे। चलो बजा के देखते हैं कैसे इसका ट्यूनिंग आता है। तो दोस्तों, ये ऐप बहुत अच्छी ऐप है प्रैक्टिस करने के लिए। आगे चलते हैं। लास्ट ऐप हमारे पास है पिच लैब। दोस्तों, ये पिच लैब का इंटरफेस है। सबसे पहले आपको ये स्केल दिखेंगे इंटरफेस में, जो है कोड सारे के सारे। जब आप गिटार प्ले करेंगे तो ये लाइटिंग करेगा, और इसको आप जब राइट साइड स्वाइप करेंगे तो अगला आपको फ्रिक्वेंसी, जो इसकी आपकी ट्यूनिंग है आवाज़ की, वो आपको दिखने को मिलेगी। और जैसे D3 C3 आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसी हिसाब से इसकी ट्यूनिंग ऊपर आ रही है। तो इसको आप थोड़ा सा और राइट साइड पे स्वाइप करेंगे तो आपको, सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, ये गिटार की स्ट्रिंग T
ट्यून करने के लिए है, अप करेंगे डाउन करेंगे स्प्रिंग को तो ये बिल्कुल बताएगा, और जब ग्रीन सिग्नल आ जाएगा इट मीन्स ये बिल्कुल ठीक है आपकी स्ट्रिंग जो आपने ट्यून की है। देखिए बीच में आ रहा है इन ट्यून, इन ट्यून का मतलब है कि आपकी जो गिटार है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही ट्यूनिंग पे है, और अप और डाउन पे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों पिच लैब जो है बहुत ही अच्छी ऐप है, आप एक बार इसको ज़रूर यूज़ करके देखें। दोस्तों जाते जाते मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन म्यूज़िक है, म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ऑफलाइन ही सीखे तो अच्छा है। ऑनलाइन हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप बजाना जानते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस म्यूज़िक की ऑफलाइन ही सबसे अच्छी होती है, ऑनलाइन नहीं होती। क्योंकि ऑनलाइन आप उस अपनी नॉलेज को ऑफलाइन को ऑनलाइन नॉलेज पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको ऑफलाइन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही करनी पड़ेगी। आपको तबला लेना ही पड़ेगा, आपको हारमोनियम लेना ही पड़ेगा, और आपको पियानो या कीबोर्ड बजाना ही पड़ेगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि आप मोबाइल के ऊपर इसको सीख पाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरी ये आपको सुजेशन है, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो मैं कीबोर्ड के ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, किस एज के लिए कौन सा सूटेबल कीबोर्ड है जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। तो जाते जाते दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, और जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए। शुक्रिया, धन्यवाद।